नाम जो है लहर की देवी इसलिए पड़ा है कि पहले जो है यहाँ जंगल था, फिर पहुज नदी है, पहुज नदी का जल यहाँ माई के चरणों तक आता था। जब हवाएं चलती थी तो पानी की लहरें माई के चरणों से टकराती थी, इसलिए इनका नाम लहर की देवी पड़ा है। और ये जो है तीन रूप बदलती है, सुबह दोपहर शाम, सुबह बाल अवस्था, दोपहर में यंग अवस्था, शाम को वृद्ध अवस्था में रहती हैं। बलि का इतिहास है, यहाँ पर इंदल की बलि लगी थी, आला का लड़का था इंदल, तो मैंने इंदल को अमर कर दिया था। और दुर्गा सप्तशती में इनका छठवां अध्याय है, इन्होंने धुल्लोचन वध किया है, माई कमल के फूल पर विराजमान है, हाथ में खड़ा गया खप्पर है, उनका काली का रूप भी है, लक्ष्मी का भी रूप है, तीनों रूप है, ये आदि शक्ति है। इस मंदिर की महिमा बहुत ही दूर तक फैली हुई है और बहुत ही दर्शनीय स्थल है, यहाँ पे जो भी लोग आते हैं अपनी सभी मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती हैं। मैं तो बहुत समय से यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ जो भी आप मन्नत मांगेंगे पूरी होती है, आप जो भी चाहेंगे, अगर हृदय से आप देवी माँ के भक्त हैं, देवी माँ के बारे में हृदय से आप विचार करते हैं, तो निश्चित रूप से आप सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माँ मनिया देवी के आदेश पर आला ने अपने पुत्र इंदल की बलि इसी जगह दी थी। उनके इस साहस भरे प्रयास से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें और उनके पुत्र को अमर होने का वरदान दिया था। राम नरेश यादव, ETV भारत, झांसी।